गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुभाष घोरेला, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी इन दिशा पब्लिक स्कूल नीमकाथाना। सभी का दिशा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में मोस्ट वेलकम। देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने 10th पास आउट की है, उसके बाद में आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना है, तो उसमें साइंस स्ट्रीम है, उसके बाद में कॉमर्स है, आर्ट्स है। उनमें से हम देखें बेटा, साइंस की बात करें तो साइंस में दो पोर्शन होते हैं बेटा, मैथ और बायो। और बायो और मैथ के अंदर एक बायोलॉजी और मैथ सब्जेक्ट का डिफरेंट होता है। तो हम इसी बायोलॉजी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। बायोलॉजी के अंदर लिविंग्स की स्टडी की जाती है, लिविंग्स में प्लांट्स भी होते हैं और बेटा एनिमल भी होते हैं। क्योंकि हम 10 या 15 मिनट में बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम एक थोड़ा सा देख रहे हैं कि कुछ एक छोटा सा टॉपिक जो जिनके बारे में आप जानते हो, आज थोड़ा प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे, तो उसके बारे में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा एट फर्स्ट ऑल स्टूडेंट को मैं क्लियर कर देता हूँ, जिनको पहले से पता है नॉन है उनकी अलग बात है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। प्लांट्स और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल बोथ आर लिविंग। बोथ आर क्या होते हैं बेटा? लिविंग होते हैं। बोथ जो होते हैं लिविंग होते हैं, उनमें सब में अपने स्पेशल करेक्टर होते हैं। माइनर डिफरेंस होता है दोनों में, कि जैसे जिसमें सेल वॉल का है, जब हम इसको डिटेल से बायोलॉजी में चलेंगे तो ये सब चीजें हम क्लियर करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। बट बोथ क्या होते हैं बेटा? लिविंग होते हैं। ठीक है बेटा, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो प्लांट्स में अवेलेबल होती है, एनिमल में अवेलेबल नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस होता है, वो ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है बेटा, प्लांट का डेवलपमेंट कैसा होता है, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, कैसे वो रिप्रोडक्शन करता है, उस पर हम टॉपिक कर रहे हैं। देखें बेटा, प्लांट जो होता है, जब हम डिटेल से चलेंगे हम देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप होता है। पहले वो प्लांट जो आप जनरली देखते हैं अपने चारों तरफ के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या हो गया बेटा? जैसे आपके आसपास जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, क्रॉप प्लांट है, वो उसको बोलते हैं बेटा फेरेनोगेम्स, यानी कि जिसमें फ्लावरिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? फेरेनोगेम्स बोलते हैं। तो इन फेरेनोगेम्स जो होते हैं, जिनमें लगभग सीड हैबिट प्रेजेंट होती है, मतलब जिनमें सीड होता है, आपने उसको सीड मिट्टी में डाला और सीड मिट्टी में डालने पर एक छोटा सा प्लांट डेवलप हो गया। क्या हो गया बेटा? एक स्मॉल साइज का प्लांट डेवलप हो गया। तो इस प्लांट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखिए बेटा, जब भी हम किसी प्लांट को देखते हैं तो आपको देखोगे बेटा, एक उसका अंडरग्राउंड पार्ट होता है। कुछ चीजें यहां पे क्लियर कर देंगे, ये जरूरी नहीं है कि रूट होगी तो अंडरग्राउंड ही होगी, ठीक है बेटा, स्टेम भी अंडरग्राउंड हो सकता है। पर हम देखते हैं बेटा किसी पोर्ट के अंदर, एक हमने एक डायग्राम बनाया है, तो इस डायग्राम के अंदर देखें बेटा, ये इसका क्या है? रूट पोर्शन है। क्या है बेटा? इसका रूट पोर्शन है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रूट बोलते हैं। एक जो बीच के जिसके ऊपर लीफ लगी होती है, उस रूट से एक बड़ा सा पार्ट ऊपर की तरफ आता है, लैटरल ग्रोथ करता हुआ ऊपर निकलता है, जो क्या होता है बेटा? स्टेम होता है। क्या होता है? स्टेम होता है। और उस स्टेम के ऊपर, उस स्टेम पे क्या लगी रहती है बेटा? लीव्स लगी रहती है। उस स्टेम पे क्या होती है बेटा? लीव्स होती है। उस स्टेम के ऊपर लीव्स लगी रहती हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर फ्लावर होते हैं, यानी कि जो भी पार्ट प्लांट के होते हैं उस पर ये सब चीजें रहती हैं कि लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट सीड वगैरह जो इसके ऊपर डेवलप होते हैं। तो ये इसका क्या हो गया बेटा? स्टेम पार्ट हो गया। उसके बाद में क्या होगा बेटा? एक फ्लैट स्ट्रक्चर होती है जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं बेटा? लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लीफ बोलते हैं। ये क्या हो गया बेटा? इसका लीफ पार्ट हो गया। ठीक है बेटा, तो देखें जो भी प्लांट है उसकी जो ग्रोथ फेज होती है, उसके अंदर उस प्लांट बॉडी को हम मेजर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेजर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा जब वो मैच्योर हो जाता है। क्या है बेटा? एक तो उसका होता है वेजिटेटिव पार्ट। क्या होता है बेटा? वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट का एक पार्ट होता है जिसका नाम क्या है बेटा? वेजिटेटिव पार्ट। यानी कि दो स्टेज होगी बेटा, एक तो डेवलपमेंट में यूज होती है, यानी डेवलपमेंट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वेजिटेटिव पार्ट। जो डेवलपमेंट करती है उसको हमने क्या बोला? वेजिटेटिव पार्ट। और जब उसका डेवलपमेंट पूरा हो गया, जब उसने जितनी ग्रोथ करनी थी वो कर ली, उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद में वो न्यू प्लांट डेवलप करने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करता है,
कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करता है सच एज फ्लावर, जैसे भी हम क्रोप की बात करते हैं या घर पे आपने कोई प्लांट लगा रखा है बेटा, पहले वो उगते ही फ्लावर नहीं लगेंगे, पहले वो अपना साइज लेगा, साइज कंप्लीट होने के बाद में उस पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होती है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लावर। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लावर। अब ये फ्लावर क्यों प्रोड्यूस हुआ है, ये फ्लावर किसके लिए हुआ है बेटा, ये क्या करता है बेटा, न्यू प्लांट डेवलप करने के लिए है। क्या करता है बेटा, न्यू प्लांट डेवलप करने के लिए ये स्ट्रक्चर डेवलप हुई है, नया प्लांट बनाने के लिए इसमें एक ऐसी स्ट्रक्चर डेवलप हो गई, इसके बेस पे इसका नाम क्या रख दिया बेटा, रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया बेटा, ये इसके वेजिटेटिव पार्ट है और ये इसका क्या आ गया बेटा, रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद में क्या होगा बेटा, इसी रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या बन जाता है बेटा, जब ये फ्लावर है किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, फ्रूट में। और इस फ्रूट के अंदर क्या होते हैं बेटा, सीड। इस फ्रूट में क्या आ गया बेटा, सीड। फ्रूट में क्या हो गए, सीड। तो हमने देखा कि प्लांट के अंदर दो मेजर पार्ट हो गए, एक हो गया वेजिटेटिव पार्ट, फर्स्ट इज क्या है बेटा, वेजिटेटिव पार्ट है, दूसरा हमारे पास क्या आ गया बेटा, रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया। वेजिटेटिव पार्ट और क्या आ गया बेटा, रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, जैसे रूट, देखिए बेटा रूट, उसके बाद में उसका आता है स्टेम, क्या आ गया बेटा, ये स्टेम पोर्शन आ गया इसका। उसके बाद में क्या आता है बेटा, लीफ। क्या आता है, लीफ। ये थ्री पार्ट्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेजिटेटिव पार्ट। उसके अलावा इसके बाद में जो ये एज, ये स्ट्रक्चर पूरी कंप्लीट होने के बाद में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए बेटा, हम सभी के फंक्शन की बात करेंगे, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा, अलग अलग जो पोर्शन है कि रूट पार्ट अंडरग्राउंड पार्ट होता है, ठीक है बेटा, ये लीफ पार्ट है, ये हमने एक डायग्राम बनाया है और ये हमारे पास ये ओरिजिनल प्लांट है। देखिए बेटा, हमारे पास एक प्लांट अवेलेबल है जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये इसका क्या आ गया बेटा, स्टेम पार्ट है, ठीक है बेटा, ये इसका स्टेम पार्ट है। और ये देखें आप, ये जो इसका क्या है बेटा, लीफ है, ये जो पोर्शन है ये क्या है बेटा, इसका लीफ पोर्शन है, लीफ वाला पार्ट है। उसके बाद में ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है ये क्या आ गया बेटा, इसका जो हमने इसके अंदर ले रखा है ये इसका क्या है बेटा, रूट है। अब इन सभी के फंक्शन देखो बेटा क्या है, हम इसको देख लेते हैं। ये जो ग्रीन फ्लैट पार्ट है, ये वाला ग्रीन फ्लैट पार्ट जो है ये बेटा लीफ है जो फ्लैट है, ठीक है बेटा, इसका कलर ग्रीन है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्लोरोफिल होता है। तो ये जो लीफ पोर्शन है ये क्या होता है बेटा, एरियल पार्ट है इसका, ये ऊपर का पार्ट जो हवा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एरियल पोर्शन। जो जमीन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अंडरग्राउंड पार्ट होता है। जनरली 100% नहीं कह सकते, जनरली जो एरियल पार्ट होता है इसके अंदर क्या आती है बेटा, जनरली बोला है मैंने, स्टेम और इसके बाद में क्या आ गया बेटा, लीफ। यानी कि ये इसका स्टेम आ गया, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख पा रहा है, ठीक है बेटा, ये इसकी क्या आ गई, लीफ आ गई। ये इसका एरियल पार्ट है और इसका अंडरग्राउंड पार्ट जो इस मिट्टी के अंदर, इस सोइल के अंदर, इस पॉट के अंदर है, वो इसका क्या आ गया बेटा, रूट आता है। तो ये इसका जो पोर्शन आपको दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर अभी तक वेजिटेटिव फेज चल रही है, रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके अंदर डेवलप नहीं हुआ, तो ये इसके वेजिटेटिव पार्ट है बेटा, जो लीफ, ये इसका स्टेम पोर्शन है और ये क्या आ गया बेटा, इसका रूट पोर्शन है। ये तीनों मिला के क्या हो गया बेटा, वेजिटेटिव पार्ट बन गए इनके। और ये वेजिटेटिव पार्ट सभी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। एट फर्स्ट वी आर डिस्कस ऑन लीफ। लीफ क्या करती है बेटा, लीफ का कलर ग्रीन होता है और ग्रीन होने के कारण से क्या होता है, इसके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये स्पेशल पिगमेंट से सनलाइट को ट्रैप कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा, सनलाइट को ट्रैप कर सकता है। इसके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है बेटा, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इस क्लोरोफिल की हेल्प से ये सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है बेटा। उसके साथ साथ इसी लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसी लीफ के अंदर हमारे लीफ की लोअर सरफेस जो होती है इस पे प्रेजेंट होती है एक स्ट्रक्चर होती है बेटा, टीनी पोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटा, ठीक है बेटा। उसके साथ साथ ये जो अंडरग्राउंड पोर्शन आपने बोला, इसका ये अंडरग्राउंड पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रूट। और इन रूट के अंदर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसका नाम है
रूट हेयर। क्या नाम है? रूट हेयर। अब देखें बेटा, रूट हेयर आ गया, तो ये जो फंक्शन है ये वाला रूट का, रूट क्या करता है बेटा? वॉटर का एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है बेटा? वॉटर का एब्जॉर्प्शन करता है। किसकी हेल्प से करता है बेटा? रूट हेल्प, रूट हेयर की हेल्प से क्या करता है? वॉटर का एब्जॉर्प्शन करता है। देखिए बेटा, इस रूट के अंदर इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गई। ये क्या करती है बेटा? वॉटर का एब्जॉर्प्शन करती है। इसीलिए प्लांट के ऊपर डालने से वॉटर नहीं मिलेगा। आप लीफ पे वॉटर को डिप करें, उस पे उसको वॉटर अवेलेबल नहीं होगा। वॉटर कहां से एब्जॉर्ब किया जाएगा? वॉटर इसका जो पोर्ट पार्ट है, इसका अंडरग्राउंड पार्ट है, और हम कह सकते हैं इसका रूट पोर्शन जो होता है वो क्या करता है बेटा? वॉटर को एब्जॉर्ब करता है। तो वॉटर का एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? रूट। और रूट क्या करता है बेटा? वॉटर के साथ साथ मिनरल्स क्या करता है बेटा? मिनरल्स जो होते हैं इसकी ग्रोथ के लिए, वॉटर तो है ही है, वॉटर का यूज किसमें होगा बेटा? फूड फॉर्मेशन में। किसमें होगा? फूड फॉर्मेशन में। इसके साथ साथ क्या होगा? जैसे बेटा हम खाने के साथ साथ अलग मिनरल्स भी चाहिए हमारे बॉडी के डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। उसी टाइप से प्लांट को भी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए बेटा? मिनरल्स। उन मिनरल्स को सोइल से वॉटर के साथ रूट हेयर मींस रूट एब्जॉर्ब करती है और स्टेम को दे देती है। ठीक है बेटा, अब इधर से लीफ स्टेम का क्या क्या फंक्शन है? स्टेम इस रूट से जाएगा और एक मेन ब्रांच की फॉर्म में निकलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसके ऊपर ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, ये सारे जो पार्ट होते हैं प्लांट के, वो सारे इसके ऊपर क्या करते हैं बेटा? स्टेबल होते हैं, इसी के ऊपर लगते हैं, इसी पे क्या होते हैं बेटा? डेवलप होते हैं। तो पहला तो फंक्शन क्या हो गया? रूट कहां पे होती है वो समझ में आ गया बेटा। रूट हेयर स्ट्रक्चर होती है एक स्पेशल, और रूट का फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट की जिसको खड़े रखता है, ठीक है बेटा। उसके साथ साथ वॉटर का एब्जॉर्प्शन करता है, उसके साथ साथ क्या करेगा बेटा? मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगा। उसके बाद देखें बेटा स्टेम जो है, स्टेम भी इसको क्या कर रहा है बेटा? मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है साइड से, ठीक है बेटा। उसके ऊपर टू बियर, उसके ऊपर क्या कर रहा है बेटा? लीफ, फ्रूट, फ्लावर, अदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो इसके ऊपर ग्रो होते हैं। लीफ की बात करें, हमने कहा कि लीफ का जनरली वर्ड यूज करें, क्योंकि हम जब इसको डिटेल से देखेंगे कुछ प्लांट्स में आपको लीफ एब्सेंट दिखेगी। स्टेम होता है वो लीफ का फॉर्म कर लेता है, ठीक है बेटा। और कहीं हम रूट के अंदर भी देखेंगे स्टेम भी अंडरग्राउंड हो जा सकता है। जैसे पोटैटो जो हम सब्जी के अंदर यूज करते हैं वो उसका स्टेम पोर्शन होता है, वो हम जब डिटेल से चलेंगे तब देखेंगे बेटा। फिलहाल हम ओनली इंट्रोडक्शन पोर्शन जो होता है प्लांट का वो कर रहे हैं। अब देखें बेटा उसके बाद में, ये हमने देखा बेटा लीफ, लीफ ग्रीन पार्ट होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट इसलिए होता है बेटा कि जैसे ज्यादा से ज्यादा सनलाइट इसके ऊपर आए और इसका एब्जॉर्प्शन हो पाए। और लीफ की जो सरफेस होती है, खासकर डाइकोट प्लांट, डाइकोट क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमारी क्लास रनिंग करेगी आगे, हम हर एक पॉइंट्स को क्लियर कर देंगे, प्रैक्टिकली क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जिसको आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे, आई थिंक दोबारा आपको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं। आप क्लियर बार बार इस चीज को इजीली समझ सकेंगे बेटा। देखिए बेटा, ये लीफ फ्लैट स्ट्रक्चर इसलिए कि उसपे ज्यादा से ज्यादा सनलाइट इसके ऊपर आके गिरे और वो उसको ट्रैप करे। ट्रैप क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम क्या बेटा? क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस से ही लीफ का कलर कैसा हो गया बेटा? ग्रीन कलर हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद में लीफ ने सनलाइट को लिया, CO2 को लिया, इधर से रूट ने क्या लिया बेटा? वॉटर को लिया। और इसके अंदर कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से टिश्यू? डिटेल से तो हम आगे पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने 9-10 तक पढ़ लिया होगा बेटा। एक फ्लोएम टिश्यू होता है, एक जाइलम टिश्यू होता है। जाइलम क्या करता है बेटा? वॉटर को ऊपर लेके जाता है। फ्लोएम फूड के लिए ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जाइलम की हेल्प से क्या होगा बेटा? यहां से वॉटर जाएगा इसके पास में। लीफ ने पहले से क्या ले रखा है बेटा? सनलाइट एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर रखी है। उसके अलावा क्या ले रखा है बेटा? CO2 ले रखा है। क्या ले रखा है बेटा? CO2 ले रखा है। इस CO2 को वॉटर को और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसे क्या बन जाता है बेटा? फूड बन जाता है। मींस ये हो गया कि लीफ का फंक्शन फूड प्रिपरेशन करना है। लीफ क्या करती है बेटा? प्लांट के लिए फूड का फॉर्मेशन करती है। हम नॉर्मल कंडीशंस देख रहे हैं बेटा। उसके बाद में देखें बेटा, जब इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो ये
प्लांट या कोई भी लिविंग है ये हमेशा चाहता है कि उसकी डेथ होने से पहले वो अपने जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर दे, अपने जैसी प्रोजेनी क्या कर दे बेटा, प्रोड्यूस कर दे, और उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन। जब इसकी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाती है तो उस पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लावर। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लावर बोलते हैं। और ये फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है। क्या होगा बेटा, रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है जिसकी है, इसके अंदर हम अगली जो क्लास होगी उसमें हम पूरा फ्लावर देखेंगे बेटा कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस किस पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है। तो आज हमने बहुत इजीली टॉपिक लिया था बेटा, प्लांट की दो फेज होती है, एक वेजिटेटिव फेज यानी कि इन चीजों को डेवलप करता है, रिप्रोडक्टिव फेज जैसे ही आएगी उसमें क्या हो जाएगा बेटा, फ्लावर डेवलप होगा, उस फ्लावर के अंदर सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होती है जिनकी हेल्प से वो क्या करता है बेटा, रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन से फ्रूट्स ऑन सीड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे रूट में भी डिफरेंशिएशन होता है कि रूट जो होती है अलग अलग प्लांट में दो टाइप के रूट्स हम डिस्कस करेंगे, टैप रूट, फाइबर रूट, स्टेम के वेरियस टाइप है बेटा, स्टेम के तो डिफरेंट टाइप है, अंडरग्राउंड स्टेम है, एरियल स्टेम है, उसके अलावा लीफ के भी अलग अलग टाइप्स रहेंगे हमारे पास में। तो ये हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर रहा हमने कि प्लांट प्लांट का किस टाइप से कौन कौन सा पोर्शन होता है, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। क्योंकि मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाया था बेटा प्लांट जो है उस प्लांट के अंदर ये इसके पोर्शन थे, इन पोर्शन को लेते हुए इसके लीफ पार्ट है, ये इसका स्टेम पार्ट है, ये अंडरग्राउंड रूट है। जैसे रूट देखें तो बेटा अलग अलग प्लांट की अलग अलग होती है, जैसे हमने एक कोई ग्रास प्लांट था इसके अंदर, उसके अंदर देखा तो उसके अंदर क्या होती है बेटा, अंडरग्राउंड पोर्शन था, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुई, उसको हमने क्या बोला बेटा, रूट। सभी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो बेटा हमने आज बेसिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लिया है सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि बायोलॉजी में दो ही मेजर टॉपिक है, जब आप प्लांट के हर एक पार्ट को एक कंसेप्ट के बेस पे अंडरस्टैंड कर लेंगे वो, और दूसरे नंबर पे क्या रहता है बेटा, एनिमल। तो उसके बाद में आपको बायोलॉजी काफी इजी लगेगी, क्योंकि हमारी यहाँ जो क्लासें होती है हम जनरली जहां तक पॉसिबल हो सकता है हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज उसको दिखाते हुए करते हैं जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो देखना बेटा इसको अच्छे से, आप समझने की कोशिश करना आपके आसपास जो प्लांट्स हैं उनके बारे में देखना कि इसकी लीफ किस साइज की है, कौन सा इसका स्टेम पार्ट है, कौन सा इसका रूट पार्ट है। तो हम इसी सीरीज में अगली जो क्लास होगी हम आपको एक फ्लावर की हेल्प से फ्लावर की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे कि आज तक आपने देखा होगा कि एंड्रोशियम क्या होता है, रियल में एंड्रोशियम मीन्स स्टेमन रियल में आपको दिखाया जाएगा, स्टिग्मा, स्टाइल, फ्लावर, ये सारे पार्ट्स आपको प्रैक्टिकली शो करके आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मिलते हैं बेटा इसी के साथ, थैंक यू।